हेलो स्टूडेंट्स, कर्व की आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सभी इसके डिटेल जो पार्ट्स हैं उनके डेरिवेशन के बारे में। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाता है रियर टेंजेंट की डिस्टेंस क्या है या फॉरवर्ड टेंजेंट की डिस्टेंस क्या है। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको इसके सारे पार्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रियर टेंजेंट का डेरिवेशन करा चुका हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि लॉन्ग कॉर्ड के बारे में, नॉर्मल कॉर्ड के बारे में एंड सब कॉर्ड के बारे में। तो किसी भी ओरिएंटल सर्कुलर कर्व में अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो इससे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इससे पहला वाला वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में ही आएंगी। तो देखिए, एक कोई भी ओरिएंटल सर्कुलर कर्व की अगर बात करें, यहाँ पर हम ये कोई सर्कुलर कर्व है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ और इसको मैंने बताया था कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो तीन टाइप की हमारी कॉर्ड्स होती हैं, एक तो हमारी नॉर्मल कॉर्ड, दूसरा कौन सा है लॉन्ग कॉर्ड, और तीसरी हमारी है सब कॉर्ड। इसे कहते हैं दीर्घ जीवा, इसे कहते हैं सामान्य जीवा और इसे कहते हैं उपजीवा। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज कीजिए, जब आप कर्व की निशानदेही यानी आप सेटिंग आउट ऑफ कर्व कर रहे हैं तब आपने 30 मीटर की चेन यूज की है, तो यहाँ से यहाँ तक की कर्व की जो लंबाई है वो 900 मीटर है। मैंने एक एग्जांपल दिया इनको समझाने के लिए कि लॉन्ग कॉर्ड क्या है और हमारी लॉन्ग कॉर्ड क्या है, नॉर्मल कॉर्ड क्या है और सब कॉर्ड क्या है। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा कर्व बनाया हुआ है तो किसी कर्व की पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है यानी मिनिमम डिस्टेंस किस किस के बीच की, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या है, जहां से कर्व स्टार्ट किया गया है, और जहां पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, जहां कर्व फिनिश हुआ है। तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे तो हम कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड तो आपको समझ में आ गया, लॉन्ग कॉर्ड क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस है किस किस के बीच में, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में। अगला है हमारा नॉर्मल कॉर्ड किसे कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया अभी कि इसके लिए हमारी जो 900 मीटर कर्व की लंबाई है, अगर आप 30 मीटर की चेन से नाप रहे हैं तो मुझे आप बताइए जरा कि यहां से लेके यहां तक 30 मीटर की चेन कितने नंबर की, कितने चेन आएंगी यानी कितनी बार हमें 30-30 मीटर करके नापना पड़ेगा। तो देखिए, 900 मीटर टोटल कर्व की लेंथ है। अब हमारा क्या हुआ, 30 मीटर से हमने भाग कर दिया क्योंकि हमें एक निशान 30 मीटर का, फिर 30 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 30 मीटर, ऐसे हमें 30-30 मीटर करके निशान लगाने हैं। तो कितनी बार निशान लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे कितनी बार, 30 बार यानी 30 बार हमारा, 30 नंबर्स हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कॉर्ड क्या है, नॉर्मल कॉर्ड एक पूरी चेन लंबाई की लेंथ होती है, किस पर, कर्व पर। यानी नॉर्मल कॉर्ड क्या है, 30-30 मीटर के मैं यहाँ से 30 मीटर का, यहाँ से 30 मीटर, यहाँ से 30 मीटर, 30-30 मीटर के निशान लगाता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कर्व की लंबाई अगर 900 मीटर है तो 900 मीटर लेंथ में 30-30 मीटर की चेन है, टोटल पूरी पूरी लंबाई की कितनी आ जाएंगी, 30 बार हमें नापना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये कह दूँ कि कर्व की लंबाई 900 ना होकर 902 मीटर कर दी मैंने, पहले कितनी थी 900 थी, अब मैंने कर्व की लंबाई कर दी 905 मीटर कर दी, सपोज कीजिए आप 905, तब आप मुझे जरा बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम ये कहेंगे 900 को प्लस 5 अलग कर देते हैं हम इसमें और हम सिर्फ भाग देते हैं इसमें 30 में, यानी हमें ये बताना है कि कितनी चेन पूरी पूरी लंबाई की आ जाएंगी। तो हमें इतना आइडिया लग रहा है कि 30 मीटर की चेन है तो 900 मीटर तक हम पूरी पूरी चेन लंबाई नाप सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 30 चेन, यहाँ से कितनी आ जाएंगी हमारी 30 चेन आ जाएंगी। तो हम ये कहेंगे तो 30 चेन तो पूरी कंप्लीट आ गई, लेकिन 30 चेन आने के बाद में प्लस 5 मीटर अलग से बच गया है, यही तो कहेंगे हम इसको। तो देखिए, किसी भी कर्व पर पूरी लंबाई की चेन ही हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मल कॉर्ड कहलाती है। अगर कर्व की लेंथ 900 मीटर है तो नॉर्मल कॉर्ड कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। लेकिन अगर कर्व की लेंथ हमारी, अब इस केस में जब हमारे पूरे कर्व हमारा डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक अब आ गए हम, तो इस कर्व में कोई भी सब कॉर्ड नहीं होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इस कर्व में कोई भी सब कॉर्ड नहीं होगी। यानी कि सब कॉर्ड क्या है, अभी आगे बताता हूँ। देखो, तो नॉर्मल कॉर्ड ही आ रही है इसमें, टोटल हमारा कर्व खत्म ही हो गया। अब लेकिन हम अगले वाले में क्या देखा कि 905 मीटर है, तो हमने क्या पाया इसके अंदर कि 30 चेन तो पूरी पूरी लंबाई की आ गई हैं, यानी 30 तो हो गई हमारी नॉर्मल कॉर्ड इसके अंदर। लेकिन 5 मीटर जो बच गया, अब 5 मीटर हमारा सिर्फ इस किनारे पर भी बच सकता है, यानी हमारा कर्व फिनिश हो गया, 5 मीटर हमारा ये बच गया होगा डिस्टेंस।
तो जो डिस्टेंस हमारी चेन लंबाई में नहीं आई है कर्व पर, वह लेंथ जो पूरी चेन के बराबर नहीं है हमारी क्या कहलाती है, सब कॉर्ड कहलाती है। तो इसमें आप ये ध्यान रखना है कि 5 मीटर हमारी एक सब कॉर्ड हो गई। अब आप देखिए तो मिनिमम हमारी नॉर्मल कॉर्ड कितनी हो सकती है, मिनिमम नॉर्मल कॉर्ड मिनिमम हो सकती है हमारी, ये तो हमारी कितनी भी हो सकती है, सब कॉर्ड की बात करें, सॉरी नॉर्मल कॉर्ड की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल कॉर्ड तो कितनी भी हो सकती है लेकिन कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी कर पर। लेकिन सब कॉर्ड की बात करें तो मिनिमम कितनी हो सकती है सब कॉर्ड, ऐसा हो सकता है कि कर हमारा पूरा पूरा चेन लेंथ से डिवाइड हो जाए तो सब कॉर्ड हमारे जीरो हो जाए। लेकिन अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम हमारे कॉर्ड कितनी हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉर्ड हो सकते हैं 2। देखिए जैसे कि मैंने ये कहा कि 5 मीटर डिस्टेंस बची हुई है यहाँ पर, तो 5 मीटर डिस्टेंस आप इधर भी ले सकते हैं। अब 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर 2.5 मीटर लो तो यहाँ पर 2.5 मीटर लो, तो 2.5 मीटर की सब कॉर्ड इधर हो गई और 2.5 मीटर की सब कॉर्ड आपकी इधर हो गई। तो इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए लॉन्ग कॉर्ड क्या है। अब आपको फाइनल बात याद ही रखनी है कि लॉन्ग कॉर्ड क्या है कि दो पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो क्या कहलाएगी, हमारी दीर्घ जीवा कहलाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉर्मल कॉर्ड क्या है, किसी भी कर्व की पूरी लंबाई पर जितनी चेन हमारी पूरी पूरी आ सकती है उसे हम कहेंगे नॉर्मल कॉर्ड। लेकिन उस पूरी चेन के बाद अगर कर्व पर कोई डिस्टेंस बचती है उसके बावजूद, जैसे यहाँ पर 905 में से डिवाइड किया मैंने तो 30 चेन आई प्लस 5 मीटर बच गया अलग से, तब हमारा क्या करेंगे हम, 5 मीटर में हम या तो 2 सब कॉर्ड या 1 सब कॉर्ड कम से कम हमारी उसके अंदर होगी ही। तो मिनिमम हमारी कितनी हो सकती है सब कॉर्ड, 0 जब कर्व हमारा पूरी पूरी लेंथ चेन लेंथ से डिवाइड हो जाए। दूसरा मैक्सिमम कॉर्ड कितनी हो सकती है, 2, एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर। तो ये थी हमारी थ्योरी, इसके बारे में समझना है आपको कि लॉन्ग कॉर्ड क्या है और सब कॉर्ड क्या है, नॉर्मल कॉर्ड क्या है। अब बात करते हैं लॉन्ग कॉर्ड की हम डिस्टेंस, सब कॉर्ड तो इसी तरह से निकालते हैं जैसे मैंने बताया, सब कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड निकालने का तरीका प्रोसेस यही है। लेकिन बात करते हैं कि लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालेंगे, लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला क्या होगा, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, इसको बता देते हैं कि हम नॉर्मल कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए जरा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि जब भी आपको कोई भी टर्म निकालना हो, सपोज करो हमें क्या निकालना है, हमें लॉन्ग कॉर्ड निकालना है, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल को बनाते टाइम आपको ये जरूर याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को साथ के साथ लेके चलना है इसे हम। तो निकालने क्या वाले हैं इसमें, हमें लॉन्ग कॉर्ड है T1 से लेकर T2 तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, लॉन्ग कॉर्ड है। क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर इसको कि T1 T2 जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें मैं क्या बता चुका हूँ कि जो ये सीधी रेखा है वो क्या करती है, लॉन्ग कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो T1 T2 को हम लिख सकते हैं 2T1K या लिख सकते हैं हम 2T2K, ये लिख सकते हैं हम, यानी लॉन्ग कॉर्ड क्या है हमारी, T1 से लेकर T2 तक की डिस्टेंस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें हमने T1K और T2K। तब देखिए हम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लें हम जिससे हमें रेडियस कर्वेचर मिल जाए ये निकालना है, तो हम यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो T1OK में हम बात करें, T1OK की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, T1OK में हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस किस में रिलेशन लेना है, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, परपेंडिकुलर, और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस कर्ण हो जाएगी। तो हम ले रिलेशन लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन 5/2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इस ट्रायंगल में, कि T1K upon OT1 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से T1K बराबर क्या हो सकता है, T1K बराबर हो जाएगा OT1 into साइन 5/2। तो यहाँ से आपको याद ये रखना है कि T1K बराबर हो जाएगा OT1 क्या है, O से T1 की डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी, R, साइन 5/2। अब देखिए ये लॉन्ग कॉर्ड का आधा हिस्सा आ गया, कौन सा, T1 की। पूरी लॉन्ग कॉर्ड बात करें तो हमारी लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई क्या है, T1 से लेके T2 तक, ये हमारी क्या है, लॉन्ग कॉर्ड है। और लॉन्ग कॉर्ड हमारी किसके बराबर है, लॉन्ग कॉर्ड है 2T1K के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2R sin 5/2। तो ये था हमारा डेरिवेशन नंबर 2, यानी लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी आती है। तो इसका फार्मूला आ गया हमारा 2R sin 5/2। तो अब तक हम कितने पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो R tan 5/2 और एक 2R sin 5/2। ये था हमारा रियर टेंजेंट का और ये था हमारा फॉरवर्ड लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला। इससे अगले लेक्चर में पढ़ते हैं मिड ऑर्डिनेट क्या चीज़ है।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।